नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, हमारे एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स के अंदर जो है हमारा एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जो नए हैं हमारे चैनल पे, जिनको नहीं पता है कि हमारे इस चैनल पे जो है एक एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स चल रहा है, तो लिंक जो है आपको सभी के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप जो है सारे वीडियो शुरू से लेके अब तक देखें, ताकि जो है आप भी अगर एफिलिएट मार्केटिंग यानी कि पैसिव इनकम में बिलीव करते हैं या पैसिव इनकम जो है काफी अच्छे से जो है जनरेट करना चाहते हैं थ्रू दी एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये सारे वीडियो आप वन बाय वन करके देखें सिक्वेंस के अंदर, ताकि आपको एफिलिएट मार्केटिंग का अच्छे से जो है नॉलेज हो पाए और आप एक बहुत अच्छे इनकम जनरेट कर पाए। सो दोस्तों, इसी तरह का एक और नया वीडियो जो है एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के अंदर जो है मैं लेकर आया हूं। यहां पे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि SEO क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को SEO के बारे में पता चल पाए। सो मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल वर्ल्ड बाय मंजीत सिंह। दोस्तों, वैसे तो सभी लोगों को पता है आज की डेट में बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं SEO से रिलेटेड, चाहे वो ब्लॉगिंग कंटेंट के जरिए हो, वीडियो के जरिए हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं हमारे भाई जो कि इस तरह के SEO को जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है एफिलिएट मार्केटिंग के हिसाब से जो है आपको SEO क्यों इंपॉर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि SEO है क्या, यानी कि SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन जो है ये है क्या? तो यहां पे जो है सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए। और ट्रैफिक मतलब सिर्फ कोई किसी को भी उठा के आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देने को जो है SEO नहीं कहा जाता है, वेबसाइट ट्रैफिक नहीं लिया जाता है, लेकिन जो आपका कंटेंट जिस भी फील्ड से रिलेटेड है, उसी कैटेगरी उसी से रिलेटेड जो लोग सर्च कर रहे हैं, उस कैटेगरी को ही उन लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं आपके टाइप के कंटेंट के लिए, उन्हीं यूजर्स को जो है आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करते हैं बहुत सारे हमारे सर्च इंजन। सर्च इंजन में जैसे कि हमारा google.com हो गया, yahoo.com हो गया, Bing हो गया, इस तरह के बहुत सारे और भी हमारे सर्च इंजन हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर चलते रहते हैं और लोग उनके ऊपर सर्च करते हैं और वहीं से जो है हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर यूजर्स ट्रांसफर होकर आते हैं, यानी कि रीडायरेक्ट होकर आते हैं। तो यह है SEO। SEO मतलब किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को हाईलाइट कराने के लिए, अभी चाहे वो कोई भी सर्च इंजिन है, किसी भी सर्च इंजिन के पहले टॉप पेजेस पे आने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, एक गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर जो है आपका वो कंटेंट, आपकी वेबसाइट का कोई पेज जो है वो नंबर वन पे जो है गूगल के या फिर किसी अदर सर्च इंजिन वगैरह के टॉप 10 पेजेस के अंदर जो है लिस्ट हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तब जो है आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलता है और फिर डेफिनेटली अगर ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे तो कन्वर्जन रेशियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहां पे बात करते हैं सेकेंड चीज की, ये SEO क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने देखा कि SEO है क्या, कि कहां पे क्या करना होता है, लेकिन SEO जो है इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, अभी एक एग्जाम्पल देखिए आप लोगों को मैं समझाता हूं कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आपके सिटी के अंदर किसी आप सिटी में रहते हो, वहां पर आप एक शोरूम है XYZ कोई भी शोरूम है, से फॉर एग्जांपल शूज का शोरूम है, राइट, स्पोर्ट्स शूज वगैरह उसके ऊपर काफी अच्छे मिल जाते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, शूज खरीदने हैं, तो आप क्या करते हो, आज की डेट में तो बहुत ज्यादा ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लोग वहीं पे जाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर बात करें तो अगर आपके पास ऑनलाइन सोर्स नहीं था तब की बात करते हैं, तो कैसे आपको पता चलता था कि कौन सी दुकान ऐसी है जहां पे बेस्ट आपको आपकी सिटी के अंदर जो है स्पोर्ट शूज मिल जाते हैं। तो यहां पे जो है उस शोरूम पे जो हमारे फ्रेंड सर्कल से कोई अगर गया है, या माउथ पब्लिसिटी के जरिए हमने कहीं पे उसको सुना है, या एडवर्टाइजमेंट के जरिए हमें जो है कहीं एडवर्टाइज देखी हमने, चाहे वो न्यूज़पेपर के अंदर हो या फिर कहीं होर्डिंग लगी देखी है हमने, तो उससे हमें पता चलता है कि यार ये हमारी सिटी के अंदर ये एक शोरूम है जो कि स्पोर्ट्स के शोरूम शूज के लिए काफी फेमस है और काफी अच्छी क्वालिटी के शूज वहां पे मिलते हैं। तो ऐसे में आप कहां पे जाते हो, सीधे वहीं पे जाते हो,
यानी कि आप वो इतनी सारी, देखो शूज की दुकान सिर्फ आपके सिटी के अंदर एक नहीं है, बहुत सारी होंगी, लेकिन पर्टिकुलरली आपको जो हाईलाइट होकर आई वो एक आई, राइट। अब नो नंबर टू पे भी कुछ होंगी, नंबर थ्री पे भी होंगी, लेकिन उसके बाद वाली जितनी भी लाइंस है ना, जितनी भी दुकान है, उनको कोई भी नहीं जानता। तो कुछ हाईलाइटेड होती हैं, कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जहां पे जो लोग जो हैं ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, यार मुझे तो सामान लेना है वहीं से लेना है, या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में जाना है। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, अब रेस्टोरेंट के अंदर आपको कोई पार्टी वार्टी करनी है या कहीं पे आपको आउटिंग करने के लिए जाना है, तो आप क्या सर्च करते हो, आप क्या ध्यान लगाते हो कि यार कौन सा बेस्ट रेस्टोरेंट है यार, आपने फ्रेंड सर्कल से पूछते हो, या फिर आपको कहीं देखा है आपने एडवर्टाइज वगैरह, तो वहां से आपको पता चलता है, तब जाके आप क्या करते हो, उसी रेस्टोरेंट्स में जाके ट्राई करना पसंद करते हो। अब इसी तरह से यहां पर भी ऑनलाइन वर्ल्ड भी जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, यहां पर भी इतने सारे वेबसाइट्स हैं, इतने सारे वेब पेजेस बन रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यहां पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें भी जो है ट्रैफिक मिले, हमें भी वर्ल्ड पूरे इतने बड़े वर्ल्ड के अंदर, इतने बड़े कंपटीशन वर्ल्ड के अंदर जो है हमारी वेबसाइट का कहीं पे पोजीशन बन पाती है कि नहीं बन पाती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पोजीशन को पहले पेज पे पोजीशन कब बनेगी, जब आप सर्च इंजन के पहले पेज पे आओगे। पहले पेज पे आने के लिए जो है आपको कुछ रूल रेगुलेशन आपको ध्यान रखने होते हैं कि आपका जो है वो किस तरह से आप नंबर वन के ऊपर आ सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपका SEO कहलाती हैं, ये इंपॉर्टेंट जो है क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। अभी थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए कि SEO के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो यहां पे इसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि SEO जो है वो अगर ऑनलाइन गूगल के ऊपर हम सर्च करेंगे, कुछ और चीजें करके देखेंगे, और फिर देखेंगे कि SEO में जो है टॉप पे आने के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से SEO जो है आपको टॉप पे ला सकता है। सो हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे कि यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट वॉशिंग मशीन, राइट, बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया जो है एक हमारा ये कीवर्ड है। ये कीवर्ड जब भी आप करते हैं तो कीवर्ड के ऊपर ही टारगेट करके ही आप रैंक करवा सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे लिखा बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ और वेबसाइट्स हैं, ये नंबर वन और नंबर टू पे जो है रैंक कर रही हैं, ये नंबर थ्री पे है बेस्ट वॉशिंग मशीन .co.in। तो यहाँ पे जो है और भी वेबसाइट्स हैं, ये जो Amazon है इनको छोड़ देना है आपको, क्योंकि इनको टक्कर आप कोई नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो इस तरह की मशीन्स है, वेबसाइट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बेस्ट वॉशिंग मशीन .co.in है, हम क्या करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं। ये क्या है, इसको ट्रैफिक मिल रहा है। ट्रैफिक कहां से मिल रहा है, क्योंकि ये गूगल के, जैसे ही हमने यहाँ पे बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया लिखा तो यहां पे क्या कर रहा है, ये पहले पेज के ऊपर जो है रैंक कर रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं, या फिर आपको यहां पे सीधा जाना है, अगर आप यहां से कॉपी नहीं करना तो सीधा यहां पे जाओ कीवर्ड रिवीलर के ऊपर, यहां पे जाके जो हमने यहां पे कीवर्ड सर्च करा है बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया, इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करके यहां पे कीवर्ड रिवीलर पे हम जो जाते हैं यहां पे, और यहां पे अपना जो टारगेट कंट्री है, तो टारगेट कंट्री से फॉर एग्जांपल हमारी है इंडिया, तो हम यहां पे इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं ऑल लैंग्वेज में, और इसको जो है सर्च पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम यहां पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहां पे जो आपका गूगल के अंदर, ये रिकमेंड करता है कि आपको गूगल के टॉप 10 जो वेबसाइट्स हैं जो आपकी रैंक कर रही हैं इस कीवर्ड को लेके, उनको अभी यहां पे आपको शो करके बताएगा। सो आप देख सकते हैं हम यहां पे जो है आपके सामने रिजल्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पे बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया, यहाँ पे मंथली वॉल्यूम कितना है आपका, 18,100 है। तो यहाँ पे जो है हमारा पूरा डिफिकल्टी कितनी है इसकी, 25। अब इसको जो है हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि डिटेल में जानते हैं इसके ऊपर जो है ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपकी टॉप 10 के अंदर गूगल के अंदर रैंक कर रही हैं, और उन्होंने ऐसा क्या करके रखा है कि वो इस बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया के ऊपर जो है वो नंबर वन के ऊपर पूरा यहां पे रैंक कर रहे हैं। तो आप जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आप देख सकते हैं यहां पे जो है आपको एक डेटा देखने को मिलेगा। यहां पे सबसे पहले क्या है, इस कीवर्ड के ऊपर जो बेस्ट वॉशिंग मशीन है इंडिया है, इसके ऊपर आपका कंपटीशन जो है वो लो है, मतलब 30 से कम है, 30% है। तब यहां पे आपका कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम जो है वो पिछले 12 महीने में कैसी रही है वो आप देख सकते हो। इसके बाद इसका सर्च ट्रेंड जो है वो आप देख सकते हो कि यहां पे जो है
धीरे 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 क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। अब यहां पे जो है आपका और डिटेल्स हैं, अब यहां पे नीचे देखो ये आपका गूगल टॉप 10 रैंकिंग, गूगल टॉप 10 रैंकिंग के अंदर जो है ये वेबसाइट्स आ रही है। तो हमने अभी जो देखी थी, कब यहां पे गूगल पे चलता हूं और यहां पे जाके हमने पहली वेबसाइट क्या आई, यहां पे देखो bijlibachao.com। तो यहां पे बिजली बचाओ ये रहा पहले नंबर पे, bijlibachao.com। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड है हमारा किचन arena.in, तो यहां पर भी आपको मिलेगा किचन arena.in, ये रहा किचन arena.in। और उसके बाद आपकी आई है bestwashingmachine.co.in, तो यहां पर भी मैं आपको दिखा दूं, यहां पर भी आपको मिल जाएगी bestwashingmachine.co.in। ये रही आपकी थर्ड नंबर के ऊपर, राइट। तो ये जो है ऐसी कुछ 10 वेबसाइट्स हैं जो आपकी टॉप 10 में रैंक कर रही हैं। अब ये रैंक कैसे कर रही हैं, देखो किस किस ने क्या क्या करके रखा है। जो ऑन पेज एसईओ, ये जो कीवर्ड है ना हमारा बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया, तो सबसे पहले यहां पे बिजली बचाओ ने क्या करके रखा, यूआरएल के अंदर ये क्यों सबसे टॉप पे कर रहा है, पहला इसका बेनिफिट ये है कि इसने इस कीवर्ड को क्या करके रखा, अपने यूआरएल के अंदर इसको जनरेट करके रखा है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे bijlibachao.com पे, तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब के ऊपर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा bijlibachao.com का जो हमारी वेस्ट वॉशिंग मशीन है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद उससे जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, इसका पेज अथॉरिटी कितना है 32, डोमेन अथॉरिटी 43, एक्सटर्नल लिंक कितने हैं 410। तो ये सारे जो है यहाँ पे है। अब इसने क्या यूआरएल में के अंदर लिखा है, टाइटल के अंदर टैग नहीं डाला, जो आपका ये कीवर्ड है उसको टाइटल के अंदर नहीं डाला, डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं डाला, H1 के अंदर नहीं डाला, फिर भी जो है ये नंबर 1 पे रैंक कर रहा है। क्यों? क्योंकि चलते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है इसने, बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया यहाँ पे है। अब इसके बाद जो देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये आपका एक बहुत अच्छा इसने क्या करके रखा है, टेबल कंटेंट बना के रखा है, बहुत अच्छे से इस पेज को जो है डिजाइन करके रखा है। अब यही नहीं, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, एक दूसरी वेबसाइट को ओपन करते हैं kitchenarena.com, यहां पर भी आप देख सकते हो बेस्ट वॉशिंग मशीन इन्होंने अपने यूआरएल में भी डाल के रखी है, बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया, ये आपका जो है यहां पर भी टाइटल के अंदर भी डला हुआ है। और नीचे भी अगर देखो तो आप देख सकते हो कितना टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो कितना अच्छे से यहाँ पे डिजाइन करके है, बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया 2019। तो काफी अच्छा लंबा चौड़ा जो है यहाँ पे इन्होंने एक आर्टिकल बनाया है, और यहाँ पे साथ में एक यहाँ पे बाय बटन भी देख रखा है कि आप कहां से इसको बाय कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे बाय एट Amazon लिखा हुआ है। तो ये जो है इस तरह से आपको क्या करना है, अपने आर्टिकल्स को अपने, चाहे ये भी एफिलिएट कर रहे हैं, ये जो आपको दो वेबसाइटें बताई ये भी एफिलिएट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको Amazon से भी परचेस कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, या फिर आप इसको Flipkart से भी यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो ये दोनों को क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली इन्होंने इतनी मेहनत ये आर्टिकल के ऊपर इसलिए करी ताकि लोग क्या करें इसके ऊपर यहाँ पे आके बाय करें क्लिक करके, और क्लिक करके जो है इनको बेनिफिट मिल रहा है, इनको क्या कन्वर्जन रेशियो जो है काफी हाई मिल रहा है। वहीं पे अगर यहाँ पे किचन अरीना की देखें तो ये भी आपका एफिलिएट ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे और नीचे चलते हैं, bestwashingmachine.co.in के ऊपर चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो यहां पर भी आप देखो, यहां पर भी ये क्या कर रहे हैं, यहां पर भी इन्होंने पूरा अपना जो है परचेजिंग ही कर रहे हैं। ये देखो फ्लिपकार्ट का इन्होंने डाल के रखा, तो ये भी एफिलिएट ही कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने आपको टॉप 3 वेबसाइटें मैंने ओपन करके दिखा दी, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये क्या है, Amazon का लिंक है, राइट। और यहाँ पे जो है वापस Amazon का, ये भी क्या है, ये इनके एफिलिएट लिंक है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि एफिलिएट के लिए जो है, अगर आप अच्छे से प्रॉपर वे में जो है अगर आप कंटेंट लिखते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, काफी अच्छा पेज बनाते हो, तो आपको काफी अच्छा वॉल्यूम जो है वो मिल सकता है, आपका कन्वर्जन रेशियो अच्छा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा यहाँ पे जो है काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे जो है ये bestwashingmachine.co.in ने क्या करके रखा है, यहाँ पे इसने यूआरएल के अंदर भी इसको टैग कीवर्ड को टारगेट करा है, टाइटल के अंदर भी, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, और यहाँ पे H1 के अंदर भी। अब इसका जो है आप देखो एक्सटर्नल लिंक क्या है, 0, एक्सटर्नल लिंक 0 है, उसके बावजूद भी जो है ये नंबर 3 के ऊपर रैंक कर रही है। पेज अथॉरिटी 13, डोमेन अथॉरिटी सिर्फ 20 है, फिर भी जो है ये आपका यहाँ पे आ रहा। अब यहाँ पे जो है आप और देख सकते हो, यहाँ पे पेज अथॉरिटी और यहाँ पे जो है आपका डोमेन अथॉरिटी 18 है, किसका है, यहाँ पे smartthroughguide.in, राइट। इन्होंने क्या करके रखा, इनका सिर्फ यूआरएल के अंदर ही कीवर्ड है। अब यहाँ पे फिर आपका bestwashingmachine.co.in इन्होंने वापस से यहाँ पे करके रखा है। तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर आपका 96 इंटरनल लिंक है, इसके एक्सटर्नल लिंक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि
सभी के ऊपर जो है आपको बेस्ट क्या है, कंटेंट, क्योंकि कंटेंट आपका किंग है। तो ये इस तरह से प्रॉपर वे में अगर आप अपना काम करते हो तो आपको कीवर्ड जिसके ऊपर टारगेट करना है वो कीवर्ड, टारगेटेड कीवर्ड जो है आपका अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको उसका टाइटल के अंदर डालना है, फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है, फिर प्रॉपर तरीके से अच्छा गाइड करना है यूजर्स को, ताकि आपको जो है यहाँ पे रैंक में भी आप आ सको। तो ये है SEO। SEO कोई बड़ी बात नहीं है। ऑन पेज SEO कैसे करते हैं अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी इसके लिए मैं आपको अलग से एक पेज बनाकर जो है वो पूरा बताएंगा कि किस तरह से जो है आप अपने पेज के ऊपर जो है आप SEO करते हो। ऑन पेज और ऑफ पेज SEO किस तरह से होता है वो आगे चल के हम पर आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो आई एम श्योर कि वीडियो में जो है आपको क्या मैं यहाँ पे SEO का कितना इंपॉर्टेंस है। अब देखो यहाँ पे कोई ये पेड नहीं कर रहे हैं, ये आपका इन्होंने क्या करा, सिर्फ SEO किया है, राइट। SEO करने के बाद ही ये आपका टॉप पे आ रखे हैं, इनका कोई ऐड नहीं चल रहा। अगर आप गूगल पे जाके देखें इनका कोई ऐड नहीं चल रहा है, लेकिन ऐड नहीं चला लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अट्ठाईस जून 2019 को ये आर्टिकल जो है लिखा गया है। और उसके बाद आज देखो ये कौन से नंबर पे रैंक कर रहा है, ये नंबर 3 के ऊपर रैंक कर रहा है, राइट। ये 4 सितंबर 2019 ये चलो ठीक है, ये रेगुलर बेसिस पे अपने कीवर्ड अपने जो डेटाबेस को अपडेट करते चले जा रहे हैं। यहाँ पे 18 सितंबर 2019 को लिखा गया था जो कि बिजली बचाओ वाला है 2019 को, तो ये भी आपका क्या टॉप पे रैंक कर रहा है। अगर आपका वाकई परफेक्ट कंटेंट है, आप अच्छा कंटेंट लिखते हो, अच्छे से SEO को समझते हो, प्रॉपर तरीके से जो भी कीवर्ड के ऊपर आप रैंक करवाना चाहते हो उस कीवर्ड को लेके आप काम कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है। सो दोस्तों ये है पूरा SEO का कॉन्सेप्ट, ताकि आप रैंक नंबर गूगल के अंदर नंबर 1 के ऊपर रैंक कर सकें। तो ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO किस तरह से करा जाता है आने वाले वीडियोज के मैं आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और आई एम श्योर वीडियो जो है आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।